हेलो, मैं हूं अभिलाषा और स्वागत है आपका स्वाद अनुसार में। चॉकलेट का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है और आज हम बनाने वाले हैं सिंपल चॉकलेट कपकेक्स। मैंने अपना ओवन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट करने रखा है और अब हम बैटर की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब हम इन सब ड्राई चीजों को छान लेंगे। हम इसे मैदे की चालनी से छान रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल फाइन टेक्सचर मिले। अब हम हमारा बटर और शुगर का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 60 ग्राम बटर, 100 ग्राम चीनी। मैंने यहाँ कास्टर शुगर इस्तेमाल की है, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट एसेंस। हमें इस मिक्सचर को तब तक व्हिप करना है जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। हमारा बटर एंड शुगर का मिक्सचर बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी हो गया है। इस टेक्निक को हम क्रीमिंग टेक्निक भी कहते हैं। और अब मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा फ्लावर और अब मैं इसमें डालूंगी कोई भी एरेटेड ड्रिंक थोड़ा सा। हम फ्लावर मिक्सचर और एरेटेड ड्रिंक बैचेस में डालेंगे ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। इसे मैं फिर से व्हिप करूंगी। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा और एरेटेड ड्रिंक डाल देती हूँ। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब बिना इंतजार किए हमें इसे कपकेक मोल्ड्स में डालना है। हमें इसे 3/4 फिल करना है। अब हम इसे टैप कर लेंगे। अब ये बेक होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 से 25 मिनट के लिए। Amazing. मैंने यहाँ 100 ग्राम क्रीम ली है जिसको मैंने माइक्रोवेव में 30 से 40 मिनट के लिए गर्म किया है और अब मैं इसमें डालूंगी 150 ग्राम चॉकलेट। इस क्रीम और चॉकलेट के मिक्सचर को हम 2 मिनट रेस्ट करने देंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा चॉकलेट गनाश अब तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसे हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। उसके बाद हम पाइपिंग करना शुरू करेंगे। हमारा गनाश थिक हो चुका है और मैंने उसे एक पाइपिंग बैग में डाला है। अब हम कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग करते हैं। हमारे सिंपल कपकेक्स तैयार है बट अभी इसमें थोड़ी सी कमी है। इसमें हम डालते हैं चॉकलेट
स्प्रिंकलर्स। जरूर ट्राई कीजिए ये डेकेडेंट चॉकलेट कपकेक्स और बताइए कैसी बनी। और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल स्वाद अनुसार को।